मारुताल थाना क्षेत्र के कटंगी रोड पर सौरभ उर्फ नानची रैकवार पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या करने वाले आरोपी युवक और वारदात में शामिल 17 वर्षीय किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी युवक ने पूछताछ के दौरान बताया कि वारदात के 2 दिन पहले मृतक सौरभ ने उसके भाई अभिषेक से मारपीट की थी, जिसका बदला लेने के लिए उसने सौरभ की चाकू से हमला कर हत्या कर दी। इस मामले में एक आरोपी फरार है। मारुताल थाना क्षेत्र कटंगी रोड पर सौरभ उर्फ नानची रैकवार नामक युवक पर 2 दिन पहले चाकू से प्राणघातक हमला किया गया था। हमले में घायल सौरभ की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस ने सौरभ पर हमला करने वाले नई बस्ती निवासी राजकुमार अहिरवार और वारदात में शामिल उसके 17 वर्षीय नाबालिग साथी को गिरफ्तार किया है। आरोपी राजकुमार ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि 7 मार्च को सौरभ का उसके भाई अभिषेक से विवाद हुआ था, तब सौरभ ने अभिषेक से मारपीट की थी। भाई से हुई मारपीट का बदला लेने के लिए उसने अपने एक नाबालिग साथी के साथ सौरभ पर चाकू से प्राणघातक हमला किया था। जो इसका राजकुमार का भाई है अभिषेक, उसके साथ ये मृतक और इसका भाई मारपीट किया था, जिस वजह से इनके द्वारा 9 तारीख को उसके साथ मारपीट की गई और उसकी हत्या कर दी गई। तो राजकुमार अहिरवार को तो कल ही हिरासत में ले लिया गया था, बाकी 2 आरोपी और थे। तो इसमें जो नाबालिग बालक है, विधि का उल्लंघन करने वाला, उसको आज अरेस्ट किया गया है और दोनों को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। आरोपी राजकुमार ने वारदात के बाद घटना में उपयोग किया गया चाकू अपने घर पर छिपा कर रखा था, जिसे पुलिस ने बरामद किया है। इस प्रकरण में एक आरोपी सचिन झारिया फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।